शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है, खुदा से डरने वालों की रहनुमा है। जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या न करो उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। खुदा ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोज आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पिंडार में खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर है। इनके दिलों में कुफ्र का मरज था, खुदा ने उनका मरज और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और पैरवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न वो हिदायत याब ही हुए। उनकी मिसाल उस शख्स किसी है जिसने शबे तारीक में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो खुदा ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल मेह किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो, तो ये कड़क से डरकर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर खुदा चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को जायल कर देता। बिलाशुबा खुदा हर चीज पर कादिर है। लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवा व अकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। खुदा इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है, इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को।
जो खुदा के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज यानी रिश्ता क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है उसको क़त्अ किए डालते हैं और जमीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरो, तुम खुदा से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक साथ आसमान बना दिया, और वो हर चीज से खबरदार है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। खुदा ने फरमाया मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको उन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फुसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया, बेशक वो मुआफ करने वाला और साहिब रहम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने इसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझे से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफियत न हासिल करो, और मुझे से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझ कर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो, और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम किताबे खुदा भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और रंज व तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गरा है मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम न आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सके। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से मुखलसी बख्शी, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो तुमको तो नजात दी
اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔